हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुराग झा एंड वेलकम टू नॉलेज प्रोवाइडर। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जीवन की चुनौतियों का सामना, जो कि आपके 12th साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का तीसरा चैप्टर है। इससे जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको हम लोग यहाँ पे एक एक करके डील करेंगे, ठीक है। और देखो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर है आपका, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनते नहीं हैं, पर जो ही बनते हैं वो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। और ये जो है आपको बार बार भाषा का बदल के, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व कौन से नहीं पाए जाते हैं, फिर आगे पूछ लेगा कि कौन से पाए जाते हैं, यानी कि भाषा बदल बदल के ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो आपको इसको जो है अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करना है, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग को क्या करना है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और फिर जो है इसको अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसको बेल आइकन जो है आप लोगों को प्रेस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बन रहा है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में पाया क्या क्या जाता है, ठीक है। इसमें नियंत्रण, चुनौती और प्रतिबद्धता, यानी कि कंट्रोल, ठीक है, यानी कि नियंत्रण, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता और फिर चुनौती यानी कि चैलेंज, यानी कि 3 C पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, क्या 3 C पाया जाता है। और यहाँ पे जो है चौथा यहाँ पे दुश्चिंता है, जिसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, या बेकार की चिंता कहिए इसको, तो ये एक तरह से कुंठा हो गया ये, तो ये जो है नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व, तो ये जो है कोवासा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो कोवासा के द्वारा दिया गया था। तो ये भी चीज़ आप बार बार ध्यान रखिए, बार बार पूछा गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो यहाँ पे लेजारस जो है ये दबाव के सिद्धांत के संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो है ये प्रतिपादक थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। सो आंसर है ए। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें कुछ है नहीं बताने लायक। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है। तो देखिए, तनाव प्रबंधन के लिए जो है इसमें से देखो, जो आपका प्रभावी होता है वो पारिवारिक कार्यक्रम, ठीक है, या सामुदायिक सहारा और फिर जो व्यावसायिक सहारा, ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जो संज्ञान में, संज्ञान मतलब क्या, आप जो खुद जानते हो उसमें यदि परिवर्तन हो जाता है, यानी कि आप अपने बारे में जो धारणा बनाए हुए उसमें परिवर्तन हो जाए, तो वो तनाव को यानी कि टेंशन को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, ठीक है, कि आपके विचार में ही परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसका चार नंबर क्वेश्चन है कि हंस शल्य, देखिए आराम से इसको याद करते हुए चलिए, सारे चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाएंगे, ठीक है, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, और लंबे समय तक याद रहेगी। बस वीडियो को आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हंस शल्य जो है ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो बताया कि तनाव किसको कहते हैं, यानी कि हंस शल्य के अनुसार तनाव क्या है, तो ये बताए थे कि एक तनाव जो है अविशिष्ट अनुक्रिया है, ठीक है, ये जो है हमारे जो वातावरण में जो घटनाएं घटती हैं उसके प्रति अविशिष्ट अनुक्रिया होती है, ये कोई विशिष्ट अनुक्रिया नहीं है, ये सिर्फ अविशिष्ट अनुक्रिया, मतलब सामान्य अनुक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हंस शल्य ने ये जो है इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है पाँच नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समान अनुकूलन संरक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी कि समान अनुकूलन संरक्षण में जो है कुल 3 अवस्थाएं होती थी। सो हमारा आंसर बी है। यहाँ पे 3 कौन कौन सी अवस्थाएं थी, उन तीनों को याद रखिए। देखिए, यहाँ पे जो है कुल 3 अवस्थाएं में पहला था सचेत प्रक्रिया, ठीक है, सचेत प्रक्रिया प्रतिक्रिया। उसके बाद जो है आपका प्रतिरोध था, क्या था, प्रतिरोध। और फिर एक जो लास्ट था वो था परिशांति, क्या था, परिश्रांति, श्रांति। तो ये देखिए, इसको समझिए आप पहले। देखिए, इसमें क्या होता था कि सचेत प्रतिक्रिया में व्यक्ति अपने अपने पर जो दबाव पड़ता था उसको समझने की कोशिश करता है। फिर प्रतिरोध में क्या करता है कि उसके प्रति लड़ने की, उस दबाव को ख़त्म करने का कोशिश करता है। और फिर तीसरा स्थिति परिशांति का आता है, या तो उस दबाव में आप जीना सीख लेते हो या फिर उस दबाव को ख़त्म कर देते हो। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण है, इन तीनों को भी याद रखना है आपको, ठीक है, कभी कभी ये तीनों नाम ही पूछ लेगा आपसे। उसके बाद
बाद है 6 नंबर क्वेश्चन कि सामान्य प्रतिबल क्या है। देखिए सामान्य प्रतिबल जो है आपको निष्पादन को अच्छा करता है यानी कि बढ़ाता है, ठीक है। यानी कि हल्का प्रेशर अगर किसी भी पर बना के रखिए तो वो आपको अच्छा काम करके देगा, लेकिन वही अगर ज़्यादा काम प्रेशर बढ़ा दिए तो वो काम और ख़राब कर देगा आपका, ठीक है। तो सामान्य प्रतिबल क्या करता है आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर निष्पादन को बढ़ाता है। देखिए प्रतिबल का मतलब क्या होता है कि दबाव उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। और यही चीज़ जो है इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, स्ट्रेस और एक है यू स्ट्रेस और एक है डाई स्ट्रेस, ठीक है। तो यू स्ट्रेस क्या करेगा आपका जो दबाव का जो है अच्छा पहलू होता है ये आपको जो है जो जैसे निष्पादन बढ़ाना है यह कम दबाव का लेवल को हम लोग यू स्ट्रेस कहते हैं और ज़्यादा दबाव के लेवल को डाई स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दो शब्द याद रखनी है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्रतिबल के नकारात्मक पहलू हैं, प्रतिबल के नकारात्मक पहलू क्या है। तो देखिए प्रतिबल का जो नकारात्मक पहलू है वो डिस्ट्रेस है, क्या है, डिस्ट्रेस है बी, ठीक है। अभी मैंने बताया कि यूट्रेस जो है अच्छा होता है और डिस्ट्रेस क्या होता है, बुरा होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कहीं एग्जाम में पूछ दे कि प्रतिबल का अच्छा पहलू क्या है, सकारात्मक पहलू क्या है, तो वहाँ पे आंसर यू स्ट्रेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रतिबल के नकारात्मक पहलू क्या है, तो ये डी स्ट्रेस हो जाएगा। सो आंसर है बी। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि पतंजलि का नाम किससे संबंधित है। तो पतंजलि का नाम जो है योग से संबंधित है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि बाबा रामदेव क्या करवाते हैं, योग करवाते हैं, और पतंजलि उन्हीं की कंपनी है, तो पतंजलि जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, योग से संबंधित है, ठीक है। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो रिलेट करके। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे जो है आपको दुश्चिंता नहीं पाई जाती है। अगेन देखो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे आंसर है, ठीक है, उल्टा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ब्रेन जो है यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर। और ये तीन चीज़ें जो है प्रतिरोधी व्यक्तित्व में पाई जाती हैं, क्या क्या, प्रतिबद्धता, उसके बाद जो है देखो यहाँ पे जो है चैलेंज हो जाएगा, ठीक है, चैलेंज हो जाएगा, उसके बाद नियंत्रण, ठीक है। तो ये तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे आप समझ लो, ठीक है, कि कुबासा ये जो दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व दिया था वो किन्होंने दिया था, कुबासा। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है, उसको अच्छे से सुनिए। तो देखिए ये जो है कुबासा ने जो है क्या किया था कि इन्होंने बताया कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कि जो व्यक्ति अगर इन तीनों चीज़ों को दिखा रहा है, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को प्रतिबद्धता या फिर जो है चैलेंज जो है यानी कि कमिटमेंट, चैलेंज और कंट्रोल, ये तीन चीज अगर दिखा रहा है कोई भी व्यक्ति, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो व्यक्ति में एक चीज जो कॉमन पाया जाएगा वो उच्च स्तर का दबाव सहने का क्षमता होगा, उच्च स्तर का दबाव सहने का क्षमता होगा, और निम्न स्तर का जो है वो रोग दिखाएगा, ठीक है, निम्न स्तर का रोग। अब समझो इसको, यानी कि हाई डिप्रेशन में जा सकता है व्यक्ति, ठीक है, और जो है उस पर निम्न स्तर का रोग कहने का मतलब जैसे बीपी वगैरह हो गया, तो वो सभी उसका बढ़ या घट सकता है। तो बीपी की बीमारी वगैरह इस व्यक्ति को हो सकता है जो उच्च दबाव में रहता हो। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखोगे तो वहाँ भी काम आएगी, और मे भी इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपको दे सकता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस शब्द की जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई। देखो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर डी हो जाएगा, लैटिन भाषा, ठीक है। लैटिन भाषा जो है इसका जो एक शब्द आता है स्ट्रिकट्स, ठीक है, स्ट्रिकट्स। देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे स्ट्रिकट्स, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिकट्स जो है आपको क्या करेगा, यहाँ पे जो है आपको इस शब्द से जो है आगे चल के अंग्रेजी का शब्द स्ट्रेस बना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, हो सकता है कि ये से आप इस क्वेश्चन इस तरीके से आए आपको कि स्ट्रेस किस जो है किस शब्द किस लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो वहाँ पे स्टिकर्स एक जो आपका ऑप्शन रहेगा तो उसको आपको टिक कर लेना उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा, सो आंसर है डी।
उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, सारी चीज़ें आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग आराम से देखते जाओ। देखो उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि योग में सम्मिलित है, तो योग में जो है ध्यान सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है, ध्यान, तो आंसर हो जाएगा ए। देखो दौड़ते हो या शारीरिक व्यायाम जो होता है उसको हम लोग व्यायाम बोलते हैं, लेकिन योग में जो हम लोग ध्यान करते हैं, ठीक है, ध्यान लगाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और बाबा रामदेव भी क्या है, एक योग गुरु हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे हंस सेलिया ने तनाव के बारे में क्या कहा, देखिए हंस सेलिया ने जो तनाव के बारे में, देखो यहाँ पे अति विशिष्ट है, सामाजिक सीखना है, समायोजन अनुक्रिया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, एक अविशिष्ट अनुक्रिया है, ठीक है, यानी कि कोई भी तनाव अगर हमारे हमारे पास होगा तो हम उसके प्रति रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, तनाव एक अविशिष्ट अनुक्रिया है। इसी के साथ जो है आपका ये आज जो तीसरा चैप्टर है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस को आपको अच्छे से क्लियर करना, इसमें से एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे, ठीक है, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। आज के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।